पद्म लक्ष्मी। इनके ट्वीट आजकल खूब चर्चा में हैं। पद्म लक्ष्मी कौन है ये विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले इतना समझ लीजिए कि वो भारतीय मूल की अमेरिकी लेखिका, मॉडल और टीवी होस्ट हैं। और वो आजकल चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने जहांगीरपुरी और खरगोन हिंसा को लेकर कुछ ट्वीट किए हैं। इसमें नसीहत भी है, अपील भी है। दरअसल पद्म लक्ष्मी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि भारत में मुसलमानों के खिलाफ हो रही हिंसा को देखकर मुझे दुख होता है। मुस्लिम विरोधी बयानबाजी लोगों में डर और उस समुदाय के प्रति जहर पैदा करती है। यह प्रोपेगेंडा खतरनाक है, क्योंकि जब आप किसी को कमतर समझते हैं तो उसके उत्पीड़न में भाग लेना बहुत आसान हो जाता है। अपने अगले ट्वीट में उन्होंने लिखा कि साथी हिंदुओं, इस डर पैदा करने के जाल में ना फंसें। भारत या कहीं और हिंदुत्व को कोई खतरा नहीं है। सच्ची आध्यात्मिकता में किसी तरह की नफरत के बीज बोने की कोई जगह नहीं है। इस प्राचीन विशाल भूमि पर सभी धर्मों के लोगों को एक साथ मिलकर शांतिपूर्वक तरीके से रहना चाहिए। उन्होंने इन ट्वीट के साथ विदेशी मीडिया में छपी खरगोन और जहांगीरपुरी हिंसा मामले की खबर को भी शेयर किया है। तो चलिए अब आपको पद्म लक्ष्मी के बैकग्राउंड के बारे में बता देते हैं। पद्म लक्ष्मी, पूरा नाम पद्म पार्वती लक्ष्मी वैद्यनाथन, इंडिया के तमिल ब्राह्मण परिवार में पैदा हुई। पद्म लक्ष्मी 2 साल की थी जब उनके पेरेंट्स का तलाक हो गया। अमेरिका में ही पढ़ाई लिखाई पूरी की और 21 साल की उम्र में मॉडलिंग का करियर शुरू कर दिया। कम उम्र में ही सफल मॉडल और लेखिका बन गई। मशहूर उपन्यासकार सलमान रुश्दी के साथ प्यार हुआ, शादी हुई और तलाक भी हुआ। 2004 में शुरू हुआ शादीशुदा रिश्ता 2007 में आकर खत्म हो गया। इस शादी के टूटने के पीछे एक कारण उनकी बीमारी एंड्रोमेट्रियोसिस को भी बताया गया, जिसके बाद पद्मा ने इस बीमारी को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए 2009 में एंडोमेट्रियोसिस फाउंडेशन ऑफ अमेरिका की शुरुआत की और 2009 में ही टेड फोर्ट्समैन से शादी कर ली। टेड एक वक्त पर राजकुमारी डायना को डेट कर चुके थे, बीच में कैपिटलिस्ट एडम डेल के साथ भी रही, लेकिन बाद में फिर टेड के साथ ही रहने लगी। टेड की 2011 में ब्रेन हेमरेज से मौत हो गई और अब पद्मा अपनी बेटी कृष्ण लक्ष्मी डेल के साथ ही रहती हैं। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिएगा वन इंडिया हिंदी के साथ।